और बाबर आजम ने बेहतरीन बैटिंग की, फखर जमान की बात ही क्या है, सेंचुरी जमा दी और उन्होंने साबित किया है कि इस समय ओडीआई क्रिकेट में वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर है। जब जिस दिन उनके शॉट्स लगने लगते हैं उस दिन उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों अगर आप बाबर आजम के फैन है, फखर जमान के फैन है, तो इस वीडियो के लाइक्स के नंबर 2000 तक आपको जरूर पहुंचाने हैं। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। मेरी मुस्कुराहट से आप समझ गए होंगे कि आज के मुकाबले में हुआ क्या क्या। आज के मुकाबले में रोमांस हुआ है, ड्रामा हुआ है, एक्शन हुआ है, एकदम से कमाल का काम हुआ है, लुंगी फाड़ के रुमाल का काम हुआ है। दरअसल में आज के मुकाबले में फकर पाकिस्तान ने लाजवाब बल्लेबाजी की है भैया, ताली हो जाए। थोड़ा ध्यान से फौजी साहब, अगर इस तरीके से आप रन्स बनाएंगे हम इंडियंस को डर तो लगेगा ही ना। सबसे पहले आप सभी को कंग्रेचुलेशन, फकर पाकिस्तान ने पाकिस्तान को मुकाबला जीता दिया है और जिताने के साथ ही फकर पाकिस्तान ने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। आज बाबर आजम का भी बल्ला चला, फकर जमान का भी बल्ला चला, मोहम्मद रिजवान का भी बल्ला चला और क्या ही आज बल्ला चला है। संदेशा भेज दिया है सामने वाली टीम को कि जरा सा बच के रहिएगा भैया, क्योंकि फकर जमान आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, डर के रहने वाली बात है, क्योंकि इतनी धुलाई हुई है आज, इतनी धुलाई हुई है, तबीयत से धुलाई की है आज फकर पाकिस्तान ने। गजब की बल्लेबाजी हुई आज फकर जमान के हाथों से, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी, मैं बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, कमाल की आज जो है चेज हुआ है, फैंटास्टिक रन चेज बाय पाकिस्तान लेड बाय 100 फ्रॉम फकर जमान। बाबर आजम को जो टच लगा, जो कवर ड्राइव्स मारी, जितनी ड्राइव्स मारी, बैकफुट पे ड्राइव मारी, पंच मारा, ऑन ड्राइव मारी, ब्यूटीफुल कवर ड्राइव मारी, बहुत ही ब्यूटीफुल, पूरा टाइम लिया, क्लासिक बाबर आजम अप्रोच कि भाई पहले आराम से गेट योर आयन, गेट योर आयन, बुरी बॉल मिलेगी तो डोमिनेट करा। बाबर आजम बड़े तगड़े लगे खेलते हुए, ऐसा लगता है ना कि बस बॉडी जो है वो बिल्कुल ही सीधी है, बिल्कुल बैलेंस।